हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आज बना रही हूँ पनीर लबाबदार। बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काजू, एक प्याज, धनिया की डंठल, कश्मीरी लाल मिर्च दो तोड़ के डाल दिए हैं, अदरक लहसुन डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसके अंदर नमक, हल्दी और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ये मैंने कलर के लिए। तो अब मैं इसे 1 मिनट तक मिक्स कर लूँगी। आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे 7 से 8 मिनट तक इसी तरह ढककर पकाऊंगी, ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं खड़े वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और पीसने में हमें आसानी हो। अब मसाले पक गए, इसे थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद जो भी खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी और तेज़पत्ता, वो हम निकाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में डाल के मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया और छन्नी की मदद से इसे छान लिया है। अब एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, उसमें थोड़ा ज़ीरा डाला है, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैंने एक हरी मिर्च डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद चिली फ्लेक्स और हल्दी डाल दी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले और थोड़ा सा नमक डाला है, और अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसके लिए मैंने काट के डाल दिया है, और आप देख सकते हैं मैं टमाटर को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढाँक के रखूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैं इसे 1 मिनट तक और भूनूंगी ऐसी तरह। और अब इसके अंदर जो ग्रेवी मैंने तैयार करके रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। मैंने इसके अंदर कोई भी क्रीम यूज़ नहीं की है। तो आप देखिए, एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने पनीर इसके अंदर फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट तक, ताकि पनीर में अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं पनीर इसके अंदर डाल दूँगी ग्रेवी के अंदर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी चीनी डाली है और कसूरी मेथी डाली है, और अब इसे डाल के मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकाऊंगी। और थोड़ा सा पनीर मेरे पास था तो मैंने हाथ से तोड़कर इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो आप क्रीम डाल दीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, अगर आपको क्रीम डालनी हो तो आप क्रीम डाल सकते हैं लास्ट में। और इसे 1 मिनट तक मैं इसी तरह पका लूँगी चूल्हे के ऊपर स्लो पर। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगी। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।